नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं अविनाश और आइए खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं। मध्य प्रदेश में 65 साल बाद 1 जुलाई से नई वित्तीय संहिता लागू होने जा रही है, जिसमें ट्रेजरियों से होने वाली सभी भुगतान ऑनलाइन कर दिए गए हैं, यानी पेपरलेस। इससे हर साल 9000 क्विंटल कागज की बचत होगी। इस कागज को तैयार करने में 7500 हरे भरे पेड़ों को काटा जाता है, जिस पर रोक लग सकेगी। इससे पर्यावरण का भी बड़ा फायदा होगा। इस सबसे 100 करोड़ रुपए की बचत भी होगी। ये सब वित्त विभाग के एक आदेश से होगा। अभी तक प्रदेश की प्रत्येक ट्रेजरी से महीने में 4 क्विंटल और सब ट्रेजरी से 3 क्विंटल कागज बतौर दस्तावेज उपयोग होता था, जिसे खत्म कर दिया गया है। दरअसल नई वित्तीय व्यवस्था में लेन देन के तरीकों को आसान बनाने की कोशिश की जा रही है। अभी तक ट्रेजरियों से भुगतान की व्यवस्था थी, जिसमें बिल पास होने के बाद ही नकदी का भुगतान किया जाता था, जिसके लिए वहां नकदी और सिक्के समेत अन्य अमानती सामान रखना पड़ता था। तो प्रदेश में अब ट्रेजरियों में ये सारी प्रक्रिया को ऑनलाइन कर दिया गया है। कागजों की बचत होगी। बैंकों को वित्त विभाग के आदेश से 100 करोड़ रुपए बचेंगे। इस खबर पर हम सीधे चलते हैं। हमारे संवाददाता नीरज श्रीवास्तव हमारे साथ ऑनलाइन पर हैं। नीरज, 1 जुलाई से नई वित्तीय संहिता लागू होने जा रही है। प्रदेश में 57 ट्रेजरियों में और 156 सब ट्रेजरीज में ये व्यवस्था की गई है। ऑनलाइन अब सारी प्रक्रिया हो जाएगी, कागज अब उतना इस्तेमाल वहां पर नहीं हो पाएगा, क्या कहेंगे? जी बिल्कुल, देखिए लगभग 65 साल बाद अब जो ट्रेजरी की जो प्रक्रिया है वो बदलने जा रही है और इसके लिए संहिता लागू कर दी गई है सरकार के द्वारा, जिससे सीधा सीधा 100 करोड़ रुपए का फायदा सरकार को होगा। जिस तरह से लगभग अभी जो कागज का जो खर्चा था, साल भर में 9000 क्विंटल कागज लग जाता था ट्रेजरियों में, क्योंकि जो पेमेंट की प्रोसेस है, जो भुगतान की प्रोसेस है, वो ट्रेजरी के माध्यम से की जा रही थी। और लगभग 57 ट्रेजरी और 156 सब ट्रेजरी प्रदेश में मौजूद है, तो इस कागज की जो है बचत कहीं ना कहीं होती नजर आ रही है। और ये सारा मामला जब सामने आया, ऑडिट में ये सारा मामला सामने आया, उसके बाद ये निर्णय सरकार के द्वारा लिया गया है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया नीरज, इस तमाम जानकारी के लिए।